यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर न्यू गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं लास्ट रूल सर्वाइवल। सो गाइस यहाँ पे देखो, हमने जो अपने बेस के छत पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टूरेंट वगैरह लगाए थे, ये सारे के सारे अभी बंद पर गए। मेरे ख्याल से ना इसके जनरेटर का फ्यूल खत्म हो गया था, तो जिसके कारण अभी ये बंद पर गए। वैसे तो अपने पास भाई अनलिमिटेड फ्यूल है, बस मुझे एडमिन पॉड से निकालना पड़ेगा फ्यूल वगैरह। तो चलो भाई फ्यूल वगैरह निकाल के सबसे पहले इनको स्टार्ट कर देते, वरना हो सकता है कोई आके अपना हेली वगैरह चुरा के ले जाए। सो मैं फ्यूल का कोड भील चुका हूँ, यहाँ पे ढूंढते आखिरकार फ्यूल का कोड क्या है। तो कहा गया भाई ये तो ऑयल रिफाइनर है, ऑयल रिफाइनर तो हमें नहीं चाहिए। ऑयल रिफाइनर वैसे भी अपने बैग पे काफ़ी सारे पड़ा हुआ है, पूरा 99 करके भाई मैंने निकाल के रख दिया था। तो भाई फ्यूल किधर गया, इन्फाइनाइट फ्यूल करके कुछ ऐसा ही शायद होता है। ये रहा फ्यूल, चलो मैंने फ्यूल का कोड को कॉपी कर लिया। अभी यहाँ पे ऐड आइटम करके डाल देते हैं कोड, ऐड आइटम, अभी यहाँ पे कोड डालना है। मैंने कॉपी करके रखा था, अभी पेस्ट कर दिया है। फिर यहाँ पे मुझे कितना चाहिए होगा वो भी डाल देता हूँ भाई, 10,000 पूरा निकाल लेंगे। और ओके, तो अभी मैंने काफ़ी सारे फ्यूल वगैरह तो निकाल लिए, अभी अंदर चलते हैं, चल के जनरेटर पे डाल देते। ये रहा, मैंने यहाँ पे ट्रायंगल फोल्डिंग लैडर लगा के रख दिया है भाई। तो अभी अंदर आ चुके हैं हम, यहाँ पे हमने शटर लगा के रखा था। वैसे पीपी मतलब अपने बेस में तो वैसे कोई रेड वगैरह करने वाला है नहीं, एडमिन का बेस है, कोई रेड भी नहीं करेगा। एडमिन छोड़ो भाई, इस स्तर पे ना मतलब कोई भी किसी का भी बेस पे रेड करना अलाउड नहीं है। मतलब ऐसा ही कुछ इस स्तर का रूल है, इसमें कोई भी बैच आने से पहले रेड नहीं कर सकता किसी के भी बेस में, उसके बाद बैच आने के बाद रेड करेगा। बट फिर भी एक दो बेस में रेड हो गया था गलती से, क्योंकि यार कौन सुनता है किसकी बात। फिलहाल यहाँ पे देखो मेरे बैकपैक में फ्यूल किधर गया भाई, यार मैंने फ्यूल तो निकाला था, क्यों नहीं है, चलो दोबारा से निकालता हूँ। और यहाँ पे देखो यार मैंने गलती कर दिया था, असल में सीन कुछ ऐसे है कि जो फ्यूल का कोड था, फ्यूल की कोड की ठीक नीचे एनिमल फैट का भी कोड था। तो मैं फ्यूल की कोड को कॉपी ना करके एनिमल फैट का कोड को गलती से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करके दे देता हूँ। और भाई मेरे बैकपैक में बस एनिमल फैट से ही भर जाता है, फ्यूल नहीं आता है, फिर बाद में मुझे पता चल गया था। और अभी मैं भाई दोबारा से कॉपी करने वाला हूँ फ्यूल का कोड, तो देखते भाई किधर गया दोबारा से। अभी मुझे ढूंढना पड़ेगा, यही कहीं पे होगा, आयरन के नीचे ही होता। तो भाई किधर गया, अभी जल्दी मिल भी जा। ओके, तो मैंने देखो अभी फ्यूल का कोड तो शायद कॉपी कर लिया है, अभी इसको प्रेस करके देखते हैं कहीं पता चले भाई ये भी गलत निकले। और यहाँ पे 99 दबा देता हूँ भाई, 4 1 9। और ओके गाइस अभी सही है बिल्कुल, अपने पास फ्यूल वगैरह तो आ चुका है। ये देखो फ्यूल काफ़ी सारे हमने ले लिए है, बाकी एनिमल फैट को मैं यहीं पे ड्रॉप कर देता हूँ, हमें चाहिए नहीं भाई एनिमल फैट बिल्कुल भी। एनिमल फैट भाई किस काम का आता है, बस फ्यूल बनाने का काम ही आता है और कुछ नहीं आता। बाकी एनिमल फैट को तो मैंने फेंक दिया है, आप पे जनरेटर पे सारे के सारे में मैं फ्यूल वगैरह बिल्कुल फुल कर देता हूँ। तो इसमें मैंने देखो फ्यूल डाल दिया, अभी ये जनरेटर चलेगा 4 दिन तक, बट अपने को भाई उतना टाइम तक नहीं रहना है क्योंकि सर्वर ही खत्म हो जाएगा। सर्वर खत्म होने का बिल्कुल भी अभी टाइम नहीं बचा है। आप जब तक ये वीडियो देख रहे होंगे, मतलब ये वीडियो हो सकता है आप कल भी देख लो, बट मैं जब तक वीडियो YouTube पे अपलोड करने वाला हूँ तब तक तो मेरे ख्याल से सर्वर का बस 1-2 घंटा ही शायद बचा होगा। और अगर बैजरो वाली वीडियो आपको कल देखने को मिल जाएगा, आज की वीडियो पे तो बैजरो वाली वीडियो नहीं आने वाला क्योंकि बैज अभी तक ड्रॉप हुआ ही नहीं। फिलहाल यहाँ पे देखो काफ़ी सारे जनरेटर का फ्यूल अभी भी बचा है, मेरे ख्याल से मैंने ही डाल दिया था, उनका शायद कुछ ज़्यादा पहले ख़त्म हो गया था तो मैंने उसके बता के डाल दिया था। और जिसमें अभी ख़त्म हो चुका है इन सब पे बस अभी मैं डालने वाला हूँ, क्योंकि भाई जिसमें फ्यूल है ना उसमें ऑलरेडी 3 दिन का टाइम अप लगा हुआ है, यानी कि मैंने कल शायद इस पे फ्यूल वगैरह डाल दिया था। ओके, तो गाइस अभी मैंने सारे के सारे जनरेटर पे फ्यूल वगैरह तो डाल दिया बिल्कुल भर के, इतने में अपना काम बिल्कुल बन जाएगा। सर्वर का देखो अभी बस 11 घंटे ही बचा है, वैसे ये वीडियो मैंने पहले शूट किया था, अब तक पहुंचते बहुत थोड़ा बहुत तो लेट भाई हो ही जाते हैं। तो अभी छत पे चल के देखते हैं आखिरकार अपना टूरन वगैरह स्टार्ट हुआ है कि नहीं। अभी भाई चर भी जाओ, अरे भाई गिर गया क्यों, चर जा जल्दी। ओके, हमने यहाँ पे चढ़ गए, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ वरना पता चले कोई बंदा अंदर चले जाए। और यहाँ पे देखो अपने टूरन वगैरह बिल्कुल सारे के सारे स्टार्ट अभी हो चुके हैं। अपना ड्रैगन हेली देखो, अपने पास 4 ड्रैगन हेली था, अभी बस 1 ही ड्रैगन हेली बचा है। 4 में से 1 ड्रैगन हेली मेरे ख्याल से कोई एडमिन वगैरह आके ले गया होगा चला के, और उसके बाद गायब हो गया या फूट गया होगा या फिर क्या हो गया मुझे नहीं पता। उसके बाद अपने पास 3 था, 3 में से 1 इनके भाई ले गया मिशन करने के लिए, उसके बाद वो भी गायब हो गया। उसके बाद था 2 अपने पास, 2 में से 1 पीयूषी ने समुंदर पे डुबा दिया, अभी बस 1 ही है। अभी पता नहीं भाई ये वाली ड्रैगन हेली भी अपने पास कितने टाइम तक रहने वाला है, पता चले भाई ये भी अभी के अभी फूट जाए या फिर गायब ही हो जाए। वैसे तो यार अपने को हेली की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता, एडमिन पॉड से हम जब जहाँ पे मर्जी 1 सेकेंड के अंदर जा पाते, लेकिन बस मैंने उसको बना के ऐसे सजावट के लिए रख दिया था छत पे। फिलहाल का अभी ना शिप आया है, तो क्यों ना चलो भाई शिप पे चल के देखते हो वहाँ पे क्या सीन है, बंदे लोग गया है कि नहीं, देख क्या आता है आखिरकार वहाँ पे
में फाइट वगैरह कैसी चल रही है। और यहाँ पे नीचे मुझे एक बेस नज़र पे आती है, तो चलो सबसे पहले इस बेस को एक्सप्लोर करते हैं आखिरकार बंदे ने ये कैसा बेस बना के रखा है भाई। और तो और ऊपर से ये तो मुझे पूरा खुला खुला लग रहा है, देखते आखिरकार इस बेस के अंदर कोई लूट वगैरह है भी या नहीं। तो मैं अपने हेली को इसके छत पर लैंड करा देता हूँ और अभी उतर जाते अंदर चल के देखते हैं भाई। यहाँ पे डोर वगैरह लगा, ओ भाई इसके अंदर तो यार स्टोरेज वगैरह भी लगा हुआ है और कुछ कवर वगैरह भी नहीं है, बेस पूरा खुला है बिल्कुल। इसके अंदर क्या है, ओ भाई साहब इसके अंदर तो भाई लूट वगैरह भरा हुआ है और इसके अंदर ये खाली है और इस पर ये भी भाई खाली पड़ा है। तो इसके अंदर बस थोड़ा बहुत स्टोन एंड वुड वगैरह, ये इसीलिए शायद बंदे लोग ऐसे ही छोड़ के चला गया होगा, बाकी बेस में और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ से अभी निकलते हैं हम। यहाँ पे देखो ये जगह थोड़ा सा अजीब ही हो रखा है, ऐसा लग रहा है भाई यहाँ पे किसी ने बम वगैरह फोड़ के मतलब काफ़ी खतरनाक वाली लड़ाई हुई थी। तो हाँ मेरे ख्याल से तो ऐसा ही है, यहाँ पे शायद बंदे लोग पीवी वगैरह किया था और बैजल वगैरह भी लगा हुआ है भाई पूरी एरिया पे। और यहाँ पे एक बेस भी है, चलो बेस को चल के देखते हैं भाई। बेस के छत पे मैं अपने हेली को लैंड करा देता हूँ और यहाँ पे बंदे वगैरह भी है। ओ भाई ये तो भाई मार रहा है गाइस, ये ओ भाई ये तो मेरा हेली ही फोड़ देगा भाई, भागो यहाँ से कहीं हेली ना फोड़ दे मेरा। चोरों मुझे नहीं देखना है बेस उसका, अभी हम ऐसे निकलते हैं सीधा शिप पे। और राइट गाइस, तो फाइनली मैं शिप के काफ़ी ज़्यादा करीब तो पहुँच चुका, बट मुझे शिप तो भाई नज़र पे ही नहीं आ रहा है, पता नहीं और कितना दूर है। मैप पे तो भाई दिखा रहा है कि यही कहीं पे है। ओ भाई ये क्या भाई, यहाँ पे तो ये शिप है ही नहीं। यहाँ पे देखो बस शिप के ऊपर ड्रॉप वगैरह नज़र पे आ रहा है मुझे, और साथ ही साथ जितने भी सोल्जर वगैरह होती है शिप पे, जो गार्ड वाली सोल्जर होती है ना, वो सब सारे के सारे बंदे लोग नज़र पे आ रही है, बट शिप भाई यहाँ पे मुझे नज़र पे बिल्कुल भी नहीं आ रहा है भाई। क्या ही ग्लिच हो रहा है यहाँ पे तो पूरा भूतिया शिप बन गया है ये। ये देखो गार्ड भी मुझे मार रहे हैं बट शिप तो है ही नहीं। मैं अपने हेली को कहाँ पे लैंड करूँ और बंदे लोग आके ड्रॉप भी कैसे लूटेगा यार। शिप पे तो शायद पता नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि हम शिप पे शायद चढ़ जाए, पता नहीं क्या सीन है। मैं इतना थोड़ा अपने हेली को लैंड करने की कोशिश कर रहा हूँ और ओ भाई ये तो लैंड भी नहीं हो रहा यार, और ऊपर से ये एमो चेस्ट पता नहीं कैसे टूट गया और दोबारा जॉइंट हो गया ये। ओ भाई अभी देखो मैंने एमो चेस्ट के ऊपर हेली को लैंड कराने की कोशिश किया तो एमो चेस्ट सीधा वहीं पे टूट गया और यहाँ पे तो लैंड नहीं हो रहा यार, ये सीधा पानी पे ही जा रहा है अपना हेली। अगर पानी पे टच हो गया ना, अगर आप थोड़ा सा भी टच कर लोगे पानी से अपने हेली को, तो सीधा डूब जाता है नीचे की तरफ। सो एक काम करते हैं हम, सबसे पहले अपने हेली को इधर किनारे पे रखते हैं, उसके बाद चल के देखते हैं आखिरकार क्या सीन है। ग्लाइडर लेके चलते हैं और सीधा जाके मैं लैंड करने वाला हूँ बिल्कुल शिप के ऊपर। तो गाइस फिर तो यार वहाँ से शिप बिल्कुल गायब हो गया था, तो उसके बाद मैं एक शिप मंगाया दोबारा से एडमिन पावर से और ये वाली शिप आ गया है मीनामार की साइड पे, तो यानी कि डेजर्ट एरिया पे। तो इधर देखो अभी मैं तैरते हुए आ चुका हूँ ऐसे, और यहाँ पे भी शिप का भाई वही हाल हो रखा है, यहाँ पे भी भूतिया शिप ही आया है जो कि नज़र पे बिल्कुल भी नहीं आ रहा और इसका लूट वगैरह सब कुछ नज़र पे आ रहा है, बट अभी लूटेंगे कैसे ये समझ में नहीं आ रहा। तो मैं जा रहा हूँ भाई तैर के देखते आखिरकार हम इसे लूट पाते हैं कि नहीं। यहाँ पे देखो अपने सामने डिसमेंटलर भी नज़र पे आ रही है, साथ में जितने भी लूट वगैरह है सब कुछ ही नज़र पे आ रही है, बस भाई शिप ही नहीं है। यहाँ पे देखो ड्रॉप भी है, मुझे तो लगा था कि शायद मेरे फ़ोन पे ये शिप मतलब रेंडरिंग ही नहीं हो रहा था, जैसे कि होता है भाई कभी कभी रेंडर नहीं होता है, लेकिन उसके बाद एक दो सेकंड बाद रेंडर हो जाती है, बट ये तो भाई रेंडर होने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर मैंने कुछ और बंदे को बुलाया कि आखिरकार जाके वहाँ पे देखो शिप ग्लिच है या फिर दिख रहा है, तो फिर उन्होंने आया भाई उनका भी यही सीन था। मैंने काफ़ी सारे बंदे को बुलाया था भाई, सबका यही सीन था, शिप नज़र पे नहीं आ रहा था, बाकी ये सारी चीज़ें नज़र पे आ रही थी। तो यहाँ पे देखो अपने सर के ऊपर ये रहा ड्रॉप, ड्रॉप को कैसे लूटेंगे। बाकी देखो भाई अभी मैं बिल्कुल शिप के अंदर आ चुका हूँ, मतलब यहाँ पे भाई शिप है, मैं शिप के आर पार जा पा रहा हूँ। तो इधर गार्ड भी है, गार्ड वगैरह तो मुझे मार रहा है, लेकिन भाई मैं तो एडमिन हूँ तो डैमेज वगैरह नहीं होगा यहाँ से। चलो फिर मैं एक बार मार के देखता हूँ कि गार्ड वगैरह को डैमेज जा रहा है कि नहीं। ये मैंने निकाला अपना M4, गार्ड को तो देखो डैमेज बिल्कुल भी नहीं जा रहा, बस उसका खून निकल रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा, मरने का नाम ही नहीं ले रहा है यहाँ से। तो ड्रॉप वगैरह तो हम नहीं लूट सकते भाई, और मेरे ख्याल से ग्लाइडर से अगर हम ड्रॉप के ऊपर सीधा लैंड कर लें तो ही शायद हम ड्रॉप को लूट सकते, बाकी नहीं लूट सकते। तो चलो गाइस एक बार क्यों ना ड्रॉप के ऊपर लैंड करने की कोशिश किया जाए। यहाँ पे मैंने बना लिया एक रैम, सबसे पहले मैंने बिना रैम की ट्राई किया था बट मैं पहुँच नहीं पाया था भाई उतना दूर तक, तो अभी मैंने रैम बना ली, अभी तो बिल्कुल इजीली पहुँच जाएंगे। यहाँ पे डोर के ऊपर खड़ा हो जाता हूँ, यहाँ से बूस्ट मारते हैं ताकि बिल्कुल हम इजीली बिल्कुल शिप के ऊपर पहुँचे। शिप के ऊपर नहीं जाना है हमें, हमें जाना है ड्रॉप के ऊपर। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि मैं ड्रॉप के ऊपर भाई लैंड करने पाऊँगा, क्योंकि ड्रॉप भाई काफ़ी ज़्यादा छोटा चीज़ है और उसके अंदर लैंड करना काफ़ी ज़्यादा हार्ड
ऐड होने वाला है। देखते हैं फिर भी एक बार कोशिश करके आखिरकार क्या होता है, क्या पता अपना लक अच्छा हो और हम सीधा जाके ड्रॉप के ऊपर ही लैंड कर जाए। ओके तो अभी देखो ड्रॉप बिल्कुल मेरे ठीक नीचे ही है, तो कोशिश करते जाने की। वैसे तो देखो शिव भाई इतना बड़ा चीज़ है और अभी देखो भाई कितना ज़्यादा छोटा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। तो ये रहा ड्रॉप बिल्कुल नीचे है भाई, अभी लैंड मेरे ख्याल, ओ भाई मुझे लगा यार मैं लैंड कर जाऊंगा, बट यार बस थोड़ा सा आगे मैं ज़्यादा चलाया था। अगर मैं 2-3 बार ट्राई करूंगा ना तो शायद से मैं ड्रॉप के ऊपर लैंड कर लूंगा, लेकिन अभी मैं बिल्कुल भी और ट्राई नहीं करने वाला। तो गाइस अभी सर आप यहाँ पे देखो भाई क्रूड रॉयल बेस की जो पीछे आइलैंड है उस आइलैंड पे देखो भाई क्या ही गंदा वाला सीन हो रखा है। यहाँ पे पूरा का पूरा आइलैंड एक बंद ने पूरा बिल्कुल पैक करके रख दिया है भाई बैजल से, बिल्कुल भी और कोई दूसरा बंदा आ ही नहीं सकता यहाँ पे भाई साहब, बिल्कुल भी रास्ता छोरा ही नहीं है यहाँ पे तो देखो जरा। और मेरे ख्याल से पूरी बैजल पे ऑटोक्रैन वगैरह लगा रखा होगा बंदे ने, जो कि ऊपर से तो मुझे नज़र पे नहीं आ रहा। और यहाँ पे आते ही काफ़ी गंदा वाला लैग भी होना स्टार्ट हो गया भाई, पूरा आइलैंड को बिल्कुल कवर जो कर लिया है, लैग तो होगा ही ना। यहाँ पे यार मैंने अपनी सीट को चेंज करने की कोशिश की बट सीट चेंज हुआ ही नहीं। मैंने सीट इसीलिए चेंज करने की कोशिश किया, सीट चेंज करने से हेली बिल्कुल अचानक से नीचे की तरफ जाके लैंड हो जाएगा, और अगर मैं ऐसे ड्राइव करके लैंड करूँगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा और लैंड होते होते भाई हेली को फोड़ देगा कैनन। बट यार सीट ही चेंज नहीं हो रहा था, शायद लैगनेस की वजह से सीट चेंज नहीं हो रहा था। और भाई लो आप जगह यहाँ पे सीट चेंज हो जाता है और अभी भाई ड्राइविंग सीट पे भी मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ। और भाई लो भाई यहाँ पे अभी हो चुका है गलत सीन क्योंकि मैं अपने हेली से भी नहीं उतर पा रहा भाई, पता नहीं यहाँ पे क्या सीन हो गया, नेट का भी इशू चल रहा है और साथ में लैगनेस मतलब लेट का इशू इसलिए चल रहा है क्योंकि बेस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भरा है। और यहाँ पे मैं किसी तरह हेली से तो निकल जाती हूँ बट उसके बाद मैं हेली पे बैठ नहीं पाता और कैनन वगैरह यहाँ पे मार भी नहीं रहा है, पता नहीं क्यों, मेरे ख्याल से ग्लिच हो गया होगा या फिर ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि मेरा नेट से ही नहीं चल रहा इसलिए हो सकता है कि कैनन वगैरह मार रहा है बट मुझे दिखाई नहीं दे रहा है भाई। यहाँ पे काफ़ी गंदा वाला सीन हो चुका है, शायद मेरा हेली भी क्या पता अब तक फूट जाए। मैं हेली पे देखो अभी बैठने की कोशिश कर रहा हूँ बट बैठ नहीं पा रहा, बाकी फ्यूल वगैरह एक्सेस तो हो रहा है गैस अप के बट ड्राइविंग वाला सीट तो भाई मैं बैठ ही नहीं पा रहा, राइड भी नहीं कर पा रहा। तो अपने हेली को मैं यहीं पे छोड़ता हूँ। मैं आपको सबसे पहले इसका बेस दिखाता हूँ भाई, बेस तो देखो भाई काफ़ी ज़्यादा बड़ा बेस बंदे ने बना के रखा है, साथ में प्रोटेक्शन तो भाई बिल्कुल भर के लगा रखा है ऑटो कैनन वगैरह। बंदे लोग बेस इतना बड़े बड़े बना रहे हैं क्योंकि भाई बेस अपग्रेड के सामान वगैरह एडमिन से मिल जा रहा है तो भाई बनाने में क्या जाता है। बट इधर सर्वर का तो भाई बैंड बच चुका है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लैग हो रहा है और मेरा नेट का तो इशू कुछ ज़्यादा ही चल रहा है भाई। यहाँ पे देखो लैडर वगैरह सब कुछ यूज़ तो कर पा रहा हूँ, ये सब तो ठीक है बट यार अपना हेली का दिक्कत हो गया। अभी मेरे ख्याल से ना एक बार मेरे गेम को डिस्कनेक्ट करके दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा, तब भी शायद ये सही हो सकता है। तो एक काम करते हैं, एक बार मैं बज़ूका सेल यूज़ करके देखता हूँ आखिरकार ये रिलोड होता है कि नहीं। मैंने यूज़ किया और लो भाई अभी देखो मेरी बज़ूका रिलोड नहीं हो रही है, इसका मतलब नेट का इशू चल रही है। बट मेरा एक्चुअली मेरा नेट का इशू ये नहीं है, ये असल में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़ा बेस बना रखा है, इसका कारण लैगनेस के कारण ही ये नेट का इशू हो रही है। तो चलो एक बार मेरे ख्याल से गेम को रिस्टार्ट करने में ये सही हो जाएगा, मैं एक बार बस बैक टू लॉबी कर लेता हूँ, ये सही भाई शायद इजीली हो जाएगा, देखते ट्राई करते। ओके तो मैं लॉबी पे आ चुका हूँ, इन सब भाई कट करो इवेंट वगैरह इन सब पे अपना कोई काम नहीं है। अभी दोबारा एंटर करते हैं सर्वर में। अब यहाँ पे तो मेरे ख्याल से भाई लोडिंग कुछ ज़्यादा ही लेने वाला है क्योंकि इतना बड़ा बेस के पास में जो मैं हूँ और साथ में ऑटो कैनन वगैरह भी मारने वाला है अभी काफ़ी ज़्यादा गंदी तरीके से। मेरे ख्याल से तो इस बार शायद अपना हेली नहीं बच सकता भाई, ऑटो कैनन मैं बिल्कुल अपने हेली के पास पे ही हूँ, ऑटो कैनन सारे के सारे मिल के मेरी हेली को फोड़ने वाला है। वैसे तो कभी कभी ऑटो कैनन एडमिन को नहीं मारता है, अगर ऐसा सीन हुआ तो अपना हेली बच सकते हैं बट अगर मारा ना फिर अपना हेली का बचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। ओके तो गाइस अभी तक तो मैं गेम पे भी नहीं आया हूँ और ऑटो कैनन मारना स्टार्ट बिल्कुल कर दिया है, काफ़ी गंदी तरीके से आवाज़ आ रहा है कैनन की। अभी एक ही उम्मीद है अपने हेली का बचने का, अगर मैं अपने हेली से दूर हूँगा तो ही अपना हेली बच सकता है बट अगर मैं हेली का पास लूँगा फिर तो बचना इम्पॉसिबल है। सो देखते क्या होता है, वैसे तो कुछ ज़्यादा ही लोडिंग ले रहा है गेम अभी। ओके तो गाइस अभी देखो यार जैसा कि हमने सोचा था अपना हेली यहाँ पे फूट चुका है, बस अपने हेली का फ्यूल वगैरह नीचे गिरा हुआ है, मैंने सारा का सारा फ्यूल तो उठा लिया, अभी हमें यहाँ से निकल दे यार, अभी अपने हेली तो मर चुका है। चलो एक बार ना मैं आपको ये बेस भी दिखाई देता हूँ, ये बेस देखो भाई अंदर पे तो देखो इस बेस का मेन सेक्शन छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बाहर से ऐसा लग रहा था भाई शायद ये पूरा का पूरा ही एक बेस है बट ऐसा नहीं था, बाहर का ये असल में पूरा का पूरा एक बाउंड्री बना के रखा है बंदे ने और शायद इसमें काफ़ी सारे कैबिनेट वगैरह
लगा के रखा होगा। तो भेस ज़्यादा बड़ा नहीं है, रेड तो हो जाएगा, उतना भी हार्ड नहीं है, लेकिन बंदे ने काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन के लिए ऑटोकैनन वगैरह लगा के रखा है भाई। इन सबको पहले फोड़ना पड़ेगा और सारे के सारे ऑटोकैनन मुझे फोड़ने पे लगा पड़े हैं भाई। मैं तो नहीं फोड़ने वाला, बट बेचारे का एमओ वगैरह वेस्ट होगा, तो ऐसे में अंदर नहीं जाने वाला, वरना एमओ ही ख़त्म हो जाएगा भाई, एमओ ख़त्म नहीं करने का। और अगर आप इस तौर पे खेल रहे हो तो भाई जल्दी से जाओ जाके बैच ड्रॉप की तैयारी वगैरह करो। बैच ड्रॉप अभी कुछ ही टाइम पे आने वाला है, ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है, लास्ट की 1 घंटा 15 मिनट पे आता है, तो आप लोग देख लेना भाई, सर्वर में बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है। बट हैकर वगैरह मत आना यार, पिछली बार तो हैकर वगैरह आ गए थे, कांड भी कर दिया था, तो इस बार ज़्यादा अच्छे से नज़र रखा जाएगा। अगर कोई हैकर दिखा तो हैकर के साथ साथ हैकर की टीम पे जितने भी बंदे रहेंगे सभी लोग बैन हो जाएंगे। तो इसलिए भाई जिसको भी आप टीम पे ले रहे हो सच समझ के लेना, उसके बारे में जान के लेना, कहीं पता चले आपका टीममेट हैकर ना निकले, फिर फालतू में यार आप भी बैन हो जाओगे। सो चलो गाइस यार, फिलहाल वीडियो पे इतना ही था। आई होप आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी मिलते हैं स्क्रीन नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय। You're mine.